नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। और आज क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18, जो कि कल वाली क्लास में हमने छुड़वा दिया था, 19 करवा दिया था, अब 18 चलेगा। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है, गर्ग फार्मेसी प्रोड्यूस संजीवनी टॉनिक यूजिंग टू हर्ब्स। यानी गर्ग फार्मेसी वाले जो हैं, दो हर्ब्स यानी कि जड़ी बूटी का यूज़ करते हैं टॉनिक बनाने के लिए, जिसमें ए और बी का यूज़ होता है, ठीक है। ईच लीटर ऑफ टॉनिक रिक्वायर 20 सेंटीलीटर ऑफ ए और 80 सेंटीलीटर ऑफ बी। मतलब एक लीटर टॉनिक बनाने में इसका ए वाले हर्ब्स का यूज़ होता है 20%, 20% मतलब 20 सेंटीलीटर, और इसका होता है आपका कितना, 80 सेंटीलीटर, है ना। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 100 बैठेगा। तो 20/100 ए का और 80/100 बी का यूज़ होता है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम, वीकली प्रोडक्शन वेरी होता है 400 लीटर से 500। तो आपका ये क्या हो गया, यूसेज हो गया इधर से, कितना प्रोडक्शन मिनिमम और मैक्सिमम, एवरेज कितना होता है 450। तो ये आपका नॉर्मल हो गया। डिलीवरी पीरियड हमें दे रखा 2 से 4 वीक, 2 मिनिमम टाइम हो गया, 4 मैक्सिमम टाइम हो गया। और इनको दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करोगे तो एवरेज टाइम आ जाएगा। द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फॉर ए कितना है, 100 लीटर, और बी के लिए 1000 लीटर। क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल ऑफ बी पूछा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी पूछा है, मिनिमम लेवल ऑफ ए पूछा है, ठीक है। तो इन्हें सॉल्व करेंगे, तो लाओ कॉपी। तो 18 शुरू करते हैं, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा, फर्स्ट वाला लेवल पूछा है रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल। और मैं स्टार्टिंग में बोलना भूल गया कि ये चैप्टर 5th है, ठीक है, मटेरियल कंट्रोल और कॉस्ट अकाउंटिंग चल रही है स्वाति प्रकाशन से। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू मैक्सिमम, लिख पा रहा हूँ, लीड टाइम, ठीक है। और रीऑर्डर लेवल हमें किसका पूछा था, बी का पूछा था, रीऑर्डर लेवल ऑफ बी। तो बी का निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज कितना है, मैक्सिमम यूसेज था हमें 500 लीटर, ठीक है, हो गया 500 लीटर यूसेज होता है। लेकिन हमने पता है कि भाई एक टॉनिक बना रहे हो, थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, अब यहाँ से दिख रहा होगा। देखो एक टॉनिक बना रहे हो 100% के लिए, ए का यूज़ करते हो उसमें कितना 20, बी का यूज़ करते हो उसमें कितना 80% जड़ी बूटी यूज़ होती है। तो टोटल यानी कि ए के लिए 20/100, पी के लिए कितना होता है 80/100। तो हमारा मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज तो 500 लीटर है, लेकिन अगर ए की बात करी जाएगी तो हमें 20/100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ 20 से मल्टीप्लाई, 100 से डिवाइड। बी की बात करी जाएगी तो 80/100 करना पड़ेगा। तो रीऑर्डर लेवल किसका पूछा उसने, बी का, बी का। तो जब भी यूसेज का वर्ड यूज होगा तो 80/100 यूज करना पड़ेगा। तो 500 × 80/100 ये सॉल्व करके आ जाएगा मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज। अच्छा, टाइम कितना है हमारे पास, 4 वीक है ना, 2 से 4, तो 4 हमारा मैक्सिमम हो गया, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा, कितना आएगा 80%, 400 आएगा, इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1600 लीटर हमारा ये निकल गया आंसर, रीऑर्डर लेवल, ठीक है। सेकंड क्या पूछा इसने, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, तो मैक्सिमम लेवल ऑफ बी, अब बताओ इसका फॉर्मूला क्या था मैक्सिमम लेवल का, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम रेट ऑफ यूजेस, रेट ऑफ यूजेस इनटू सॉरी प्लस मिनिमम लीड ऑफ टाइम, लीड टाइम, ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब हमारे को बी के लिए सॉल्व करना है, रीऑर्डर लेवल तो ये है हमारे पास बी का ही है 1600, रीऑर्डर क्वांटिटी बी की चाहिए जो कि 1000 लीटर है, फिर मिनिमम यूसेज, मिनिमम तो हमारा 400 यूसेज था, 400 लीटर, हाँ जी 400 लिखा, लेकिन हमारी ये बात चली बी के लिए, तो 80/100 करेंगे जरूर, इंटू करेंगे 80/100, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, इंटू 2 इंटू टाइम कितना है 3, 3, 3. नहीं मिनिमम 2,
हाँ मिनिमम अभी एवरेज की जरूरत थोड़ी है। वाला। तो ये कितना हो जाएगा 2600, हाँ ठीक है जी 2600 हो गया। हाँ जी माइट ये कितना होगा 80% 4 8 32 320 इंटू दो तो 640 हो जाएगा। 2600 माइनस 640 1960 लीटर हो गया। ये सेकंड आंसर, मतलब खास ध्यान देना जहाँ पे यूसेज की बात आएगी तो वहाँ पे यूसेज तो ले लेंगे मिनिमम मैक्सिमम जो भी होगा, लेकिन अगर बात बी की चल रही है तो 80/100 करना ज़रूरी है, ए की बात चल रही है तो 20/100 करना ज़रूरी है। तो ये आप नोट डाउन कर लेना है ऐसे, ठीक। और थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ उसमें स्टैंड। ठीक है बेटा देखो अब हमें करना है थर्ड वाला पॉइंट। दे दो मिनिमम लेवल ऑफ ए, मिनिमम लेवल ऑफ ए। अब ए की बात चल रही है, मिनिमम लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मिनिमम लेवल ऑफ रीऑर्डर, रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल 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 रेट ऑफ यूजेस, रेट ऑफ यूजेस इनटू नॉर्मल लीड टाइम, लीड टाइम, लीड टाइम। ठीक है तो अब यहाँ देखो ये हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमारे पास आता है रीऑर्डर लेवल। अब रीऑर्डर लेवल हमें तो पता ही नहीं है अभी, तो रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें ये सिर्फ बी का पता है, इसको तो लिख नहीं सकते, ए का निकालूंगा। तो यहाँ पे पहले वर्किंग नोट बना दूंगा, क्या बनाऊंगा वर्किंग नोट, लिखूंगा रीऑर्डर लेवल। ठीक है थोड़ी राइटिंग खराब आ रही है आज मेरे से। मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। कल वाली वीडियो में ज़्यादा आवाज़ आई क्योंकि नाक से मेरे जुकाम हो गया था, तो इसलिए सॉरी है, एडजस्ट करना कल वाली वीडियो को, बाकी अब थोड़ा सा बेहतर है। ठीक है तो अभी इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा मैक्सिमम रेट ऑफ यूसेज। मैक्सिमम तो हमारा 500 था, लेकिन बात किसकी चल रही है फिलहाल? बात चल रही है अभी ए की, तो हमें 20/100 यूज़ करना होगा। हाँ जी, टाइम तो हमारा 4 था, 400 ये हो जाएगा हमारा, दिख पा रहा है इनको 400, 100 तो इसका हो गया, 400 मल्टीप्लाई किया 400 आ गया। ठीक है 400 हम यहाँ लेतेंगे ईवन उठा के, माइनस नॉर्मल नॉर्मल कितना था 450, 450 यूजेस था ना। हाँ जी, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं इसकी ए की, तो इसमें भी 20/100 लेना पड़ेगा। ठीक है और नॉर्मल टाइम क्या करेगा, 2 और 4 को प्लस करेगा, 2 से डिवाइड करना है तो 3 आ जाएगा। हाँ जी है ना, इसका आएगा 400 माइनस इसका आ जाएगा 90 इंटू 3 270, तो 400 माइनस 270 यानी 130 लीटर। ठीक है लीटर, तो आप इसे फुल फ्रेम आ रहा है। ठीक है तो आप इसे नोट डाउन कर लेना इसे आराम से, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। ठीक है आप लिखते रहिए आराम से, और डाउट हो तो पूछना, तुम बताओ यार तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही दीपक? समझ में आया? हाँ जी। ठीक है तो लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, पॉज करके देख लेना, और वीडियो को हमेशा 1080p में चलाना जिससे साफ दिखाई दे आपको। ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, जय हिंद जय भारत, सबको शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बढ़िया।